Hello everyone, I welcome you all. So today we will see what is a PDV work or a displacement work. Okay, so PDV work is also known as a displacement work. Take. So let's begin now. Okay, so reversible process. First of all, before learning the PDV work पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि PDV work किसमें applicable है. तो PDV work हमारा applicable होता है सिर्फ और सिर्फ reversible process में. Okay, irreversible process में हम PDV work को apply नहीं कर सकते हैं. ठीक है, रिवर्सल प्रोसेस को हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, रिवर्सल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हम बोलते हैं. ठीक, और ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होती है वो हमारी स्लो प्रोसेस होती है. ओके, सो हम ये स्लो प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सल प्रोसेस में ये अप्लाई करते हैं. तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि रिवर्सल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे करके एक एक वेट्स को हटाते रहते हैं. ओके, आप मेरा पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं, रिवर्सल और इरिवर्सल प्रोसेस का मैंने लेक्चर्स लिया हुआ है. ओके, सो हम ये छोटे छोटे वेट्स को एक तरीके से हटाते चलते हैं. क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का एक लेक्चर होगा. ओके, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो ये छोटे छोटे वेट्स को हम हटाते हैं. फाइनली पिस्टन, ये अगर स्टेट वन पे था पिस्टन, तो पिस्टन अब स्टेट टू पर आ जाता है. ओके, जिसमें इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अलग होता है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था. तो ये रिवर्सल प्रोसेस में ही हम पीडीवी वर्क को अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो रिवर्सल प्रोसेस का ग्राफ कैसा होता है हमारा, ये मान लीजिए अगर स्टेट वन था हमारा, जहाँ पर इसका प्रेशर पी वन था. ओके, एंड वॉल्यूम इसका वी वन था, प्रेशर पी वन एंड वॉल्यूम इसका वी वन था. ओके, तो पी वन वी वन, और फिर ये स्टेट वन से ये स्टेट टू में गया, जहाँ पर इसका यहाँ पर प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया हमारा V2. ओके, ये P2 और ये V2, P2 V2, ये हमारा अलग सा वॉल्यूम हो गया. ठीक है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं कि ये एक प्रोसेस हुआ. क्या हुआ, जब सिस्टम एक स्टेट वन से स्टेट टू में जाता है तो हम बोलते हैं कि एक प्रोसेस हुआ. तो प्रोसेस हुआ स्टेट वन से स्टेट टू पर, और हर एक पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है ना. हर एक पॉइंट पर हम प्रेशर वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, इस पॉइंट पर भी हम बता सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम क्या है, इस पॉइंट पर भी बता सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम क्या है, इस पॉइंट पर भी प्रेशर वॉल्यूम क्या है ना. तो रिवर्सल प्रोसेस में हम हर एक पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, हर एक स्टेट जो होता है हमारा, मीन्स ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है, हर छोटा छोटा हमारा एक स्टेट है, सारा स्टेट है हमारा ना. तो हर स्टेट जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम में होता है. ओके, सो अब हम इसी को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे हमारा क्या होता है. हमारा इरिवर्सल प्रोसेस मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को. इरिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, हम एट वंस जो होता है वेट को हटाते हैं, और सिस्टम स्टेट वन से हमारा सिस्टम स्टेट टू में चला जाता है. ठीक है, और इस वेट को हम एब्रप्टली हटाते हैं, और पिस्टन का बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है. ठीक है, जिसके कारण हम जो ग्राफ बनाते हैं उसका, उसमें हर एक स्टेट हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है ना, और उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. डॉटेड लाइन जहाँ भी आप देखेंगे मीन्स वो इरिवर्सल प्रोसेस को बता रहा है. ठीक है, और इरिवर्सल प्रोसेस में सिर्फ हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, बाकी कोई भी स्टेट हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है. ठीक है, एक तो शुरुआत का स्टेट और एक फाइनल स्टेट, ये हमारा स्टेट वन है और ये हमारा स्टेट टू है. ठीक है ना, तो प्रोसेस तो हुआ है हमारा, बट कौन सा प्रोसेस हुआ है हमारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, समझ में आ गई ये बात. तो यहाँ पे स्टेट वन से सिस्टम स्टेट टू में आया, बट थ्रू एन इरिवर्सिबल पाथ, और सिर्फ इन दोनों पर ही हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स बाकी का कोई भी जो स्टेट है बीच में, जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है. ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ नहीं है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते वहाँ के स्टेट को. ठीक है, चलिए अब ये दोनों का ग्राफ का डिफरेंस है. ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है एंड ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है. ठीक है, ये स्टेट वन से स्टेट टू आया है ये थ्रू एन इरिवर्सिबल पाथ, और यहाँ भी स्टेट वन से स्टेट टू आया है वाया रिवर्सिबल पाथ. ठीक है, समझ में आ गई. तो ये इरिवर्सिबल के लिए और रिवर्सिबल के, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी. ठीक है, एंड इसी रिवर्सिबल प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे, और इसी में हम वर्क कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम निकाल सकते हैं. इरिवर्सिबल में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम थियोरिकल ही निकाल सकते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाला जाता है, मेजर करके देखा जाता है. बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस को किस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं वो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के ही अप्लाई है हमारा पीडीवी वर्क, इस बात को हमेशा याद रखना है. पीडीवी वर्क बोलिए या आप डिस्प्लेसमेंट वर्क बोलिए, ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है. ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं पीडीवी वर्क को अच्छे तरीके से समझते हैं.
ठीक, मान लीजिए पिस्टन जो है, पहले यहाँ पर पूरा मैंने गैस भरा हुआ था, ये पिस्टन है हमारा और ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरा और पिस्टन से इसे कवर कर दिया। पिस्टन उस वक्त जब कवर किया मैंने, तो उस वक्त जो गैस था वो हमारा किस स्टेट में था? स्टेट मीन्स उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या क्या था। ओके, तो उस वक्त प्रेशर था इसका P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। ओके, हमने धीरे 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 पिस्टन को मूव किया, एकदम स्लोली प्रोसेस किया, क्योंकि PDB वर्क किसके प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल वर्क। स्लोली हमने इसे मूव किया और पिस्टन फाइनली जो है वो हमारा इस पोजिशन पे आ गया और गैस हमारा इस पूरे में इतने दूर में भर गया। तो गैस का वॉल्यूम अब क्या हो गया हमारा, पूरा V2, ठीक है, टेम्परेचर T2 एंड प्रेशर T2, और पूरा जो हमारा ये जो इस गैस था वो हमारा स्टेट 2 में आ गया, ठीक है, स्टेट 2 में हमारा गैस आ गया। तो हमने क्या किया, बहुत ही स्लो मूवमेंट किया, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे हमने पिस्टन को आगे बढ़ाया, जैसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमें इसका वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक। तो मान लीजिए पिस्टन यहाँ से मूव करके ये छोटे से डिस्टेंस जो आप लोग को दिख रहा है, बस इतना मूव किया और पिस्टन बस यहाँ पे आया। ओके, पिस्टन मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, पिस्टन यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी तो थोड़ा सा फिगर डायग्राम प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा पिस्टन यहाँ पे आ गया, मतलब गैस हमारा सिर्फ यहाँ से यहाँ मूव किया, मीन्स इतना बस प्रेशर डिफरेंस हुआ जिसके कारण हमारा पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए हमारा कितना है, DL, DL मीन्स वेरी स्मॉल लेंथ, है ना, वो मूव किया, ठीक है। अब क्या है, गैस हमारा यहाँ से फोर्स तो लगाता है परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना, गैस हमारा फोर्स तो लगाता है, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, फोर्स हमारा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि प्रेशर इनटू एरिया फोर्स लग रहा है इस पिस्टन पर, ठीक है, जितना प्रेशर ये लगा रहा है हमारा गैस, कितना प्रेशर लगा रहा है और बाय टोटल, बाय इनटू टोटल एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया पे पी फोर्स लग रहा है ना, तो पूरे एरिया पे कितना लगेगा, पी इंटू ए फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट कर दिया कि ये पिस्टन जो है, ये गैस जो है ये पिस्टन पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो है प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। वर्क आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो मूव करता है ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, अगर सिंगल फोर्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, और फोर्स क्या है, हमने यहाँ पे लगाया ये ब्लॉक, मान लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है हमारा, उसी डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव करके यहाँ पर डिस्टेंस एस पर आता है, तो हम बोलते हैं वर्क जो हमने किया वो किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F.S, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या बोलेगा, फोर्स किया, कितना वर्क किया हमने, तो वर्क हमने लिखा DW, स्मॉल वर्क हुआ, क्यों, गैस ही वर्क किया है, गैस ने पिस्टन को धक्का दिया है, बट स्मॉल अमाउंट से, क्यों, क्योंकि ये DL डिस्टेंस ही मूव किया, तो हम यहाँ पे DW निकाल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर एक बार लगा के, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम हम लगाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, DL, तो फोर्स किया है हमारा प्रेशर इंटू एरिया और इंटू DL, है ना, और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा, वॉल्यूम, तो हम पी लिखेंगे, यानी कि ये छोटा सा वॉल्यूम, ये वाला टोटल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, DV मीन्स चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है, तो PDV, है ना। तो ये वर्क हमारा कैलकुलेट हुआ जब पिस्टन ये छोटे से डिस्टेंस में मूव किया, तो हमारा जो वर्क आया वो आया P into DV, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल वर्क जो हमारा होगा वो 1 से लेके 2 तक P into D into V, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे इसे और अच्छे से बताता हूँ, ठीक। P into D into V 1 से लेके 2 तक, मीन्स स्टेट 1 से ठीक स्टेट 2 तक जाने में कितना वो वर्क करेगा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसे अच्छे से देखते हैं, मैंने जो लिखा कि वर्क डन जो है वो है हमारा PDV, ठीक है, 1 से लेके 2 तक, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आया जब पिस्टन कहाँ से, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया, मतलब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा, तो टोटल वर्क हमारा क्या है वो हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारा इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे बदल रहा है, ठीक। हमें ये जानना है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे बदल रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ एक्स और वाई, जैसे मैं अगर दूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 10,
तो इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो वाई के साथ कैसे बदल रहा है, मीन्स अगर हम वाई का वैल्यू चेंज करेंगे तो एक्स का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, है ना। तो अगर हमें चाहिए तो हमें एक रिलेशन चाहिए होगा। उसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ कैसे बदल रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या इक्वेशन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पर लिख सकेंगे, मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम का स्क्वायर के रूप में बदल रहा है अगर, तो प्रेशर हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर देंगे और डी वी देंगे 1 से लेके 2 तक, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और तब हम बोलेंगे कि हमारा टोटल वर्क डन जो है वी क्यूब बाय 3 1 से लेके 2 तक, जो इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बट इफ़ मैंने ये बोला कि ये पी डी वी वर्क में स्टेट 1 से स्टेट 2 में प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, मींस P1 is equal to मैंने P2 कर दिया अगर, प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट है प्रेशर, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीज़ को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक। और ये डी वी चेंज इन वॉल्यूम 1 से लेके 2 तक, तो हम क्या करेंगे, वी पी लिखेंगे हम सॉरी, और वी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, वी होता है डी वी का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, तो ये क्या हो जाएगा, पी ओके वी टू माइनस वी वन, है ना। मीन्स सेकेंड स्टेट पर क्या वॉल्यूम है, वी टू, और फर्स्ट स्टेट पर क्या वॉल्यूम है, वी वन माइनस डिफरेंस। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा क्या, पी इंटू वी टू माइनस वी वन, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा होता है, ठीक है। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा, जब हम पिस्टन को आगे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर तो डिक्रीज होगा, मैंने आप लोगों को बताया था। जब गैस एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, हमारा प्रेशर जो है वो घटता है, टेम्परेचर घटता है और वॉल्यूम हमारा बढ़ता है, ठीक है। और जब गैस कॉम्प्रेस होता है, मगर और हम पिस्टन को अगर इस तरफ हम दबा देते तो प्रेशर हमारा बढ़ता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ता है और नॉर्मल सी बात है वॉल्यूम हमारा घटता है। तो जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रेशर तो हमारा घट रहा है, तो हम कैसे प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, हम क्या करते हैं, जब ये प्रेशर मीन्स जो जिस ताकत से मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर स्ट्राइक करता है ना, इस पिस्टन के ऊपर, वो घट जाता है। जब प्रेशर, जैसे हमने एक्सपेंड किया गैस को, तो जैसे पिस्टन यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए इस पोजीशन में पिस्टन आया, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। बट हम बाहर से इसके ऊपर एनर्जी डाल सकते हैं, क्यू से या वर्क से, मैंने आपको बताया, या तो हीट और वर्क हम देते हैं ताकि इसके अंदर कुछ एनर्जी जाए, और उतना ही एनर्जी जाए जिससे कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उतना ही बढ़े जितने से वो प्रेशर पी वन लगा रहा था, और फिर से वो पी वन होता है। मीन्स पिस्टन एक्सपेंड भी कर रहा है हमारे यहाँ से यहाँ तक, और उसी प्रोसेस के दौरान हम लोग हीट भी सप्लाई कर रहे हैं ताकि प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। तो P1 is equal to P2, इसको एक वैल्यू हम ले सकते हैं जिसे मैंने P मान लिया, नहीं भी मानेंगे तो आप यहाँ पे P1 दीजिए, ओके, या P2 दीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है, P1 दीजिए या P2 दीजिए, क्योंकि P1 और P2 की वैल्यूज होगी वो सेम होगी, ठीक। तो हम इसे ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, हम इसे ग्राफ पर ऐसे दिखाएंगे कि ये हमारा प्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहा, आप देख सकते हैं प्रेशर हमारा कांस्टेंट है हमेशा, और ये स्टेट 1 से स्टेट 2 चला गया, लेकिन वॉल्यूम जो है हमारा वो हमारा इंक्रीज कर गया, पहले वॉल्यूम V1 था और अब वॉल्यूम V2 हो गया, है ना। तो प्रोसेस हुआ 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पर जो स्टेट है इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है P1 V1, ठीक है, और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट है P1 V1 या P2 V2 लिखिए या P2 V1 लिखिए, P1 is equal to P2 है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर P मान रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे P V1 और P V2, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर, बट वॉल्यूम जो है V1 से लेके V2 तक किया है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा प्रेशर, ओके, प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, कैसे आया वो मैंने आप लोग को अभी दिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम इंटीग्रेशन के ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि पिस्टन हमारा स्टेट 1 से पिस्टन हमारा स्टेट 2 में आया थ्रू अ रिवर्सिबल पाथ, है ना। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर काट लिया, है ना, ये छोटा सा एलिमेंट हमने काटा, ठीक है, और ऑब्वियस से बात है यहाँ पर प्रेशर अगर पी है, अगर मैंने मान लिया पी नहीं पी थ्री मान लूँ अगर मैं, कि स्टेट 1 से जैसे जैसे पिस्टन जो है हमारा यहाँ से स्टेट 1 से जैसे जैसे पिस्टन मूव हो रहा था, वो सारे स्टेट को मैंने ये सारे लाइन से दिखाया हुआ, ये वाले लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन अगर है, तो यहाँ पर इसका प्रेशर अलग है, छोटा सा डिस्टेंस मूव किया तो यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, बस इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस चूंकि बहुत नज़दीक है, एकदम पिस्टन यहाँ से बस मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस यहाँ मूव किया है, तो हम एक कॉमन प्रेशर पी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इन प्रेशर बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो हमने पी ले लिया, एक छोटा सा प्रेशर जो कॉमन प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर मैं लूँगा पी, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पी प्लस डी पी,
कुछ प्रेशर, सॉरी पी माइनस डी पी, कुछ प्रेशर घटेगा। ऑब्वियस बात है जब पिस्टन यहाँ से यहाँ आएगा हमारा तो प्रेशर घट गया, तो इस पॉइंट पर जब पिस्टन था इस वाले पॉइंट पर तो प्रेशर था उसका पी, जब इस वाले पॉइंट पर पिस्टन आया इस वाले पॉइंट पर तो उस वक्त उसका प्रेशर जो हो गया वो पी माइनस डी पी, कुछ प्रेशर घट गया। बट ये डी पी जो होता है जो घटता है वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि जो पिस्टन है वो हमारा वो बहुत ही नज़दीक है हमारा, है ना, बहुत ही नज़दीक का बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एकदम एक लाइन के बराबर मतलब बस ऐसे एक डॉट के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम कॉमन प्रेशर पी मान लेते हैं, ठीक। बट ये वॉल्यूम जो होता है वो चेंज हुआ वो हमने माना डी वी, जो चेंज इन वॉल्यूम था वो हमारा है डी वी, कुछ तो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो डी वी चेंज है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम इसका करते हैं इस तो एरिया जब निकालने की कोशिश करते हैं हम इधर, तो ये वर्क जो होता है वन से लेके टू तक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वर्क डन किया गया वो होता है वी वन से लेके वी टू तक, या स्टेट वन से लेके स्टेट टू तक, वो भी आप लिख सकते हैं प्रेशर इनटू डीवी, ठीक है। तो आप लोग को बस ये जानना है कि रिवर्सल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हमारा होता है प्रेशर इनटू डीवी, ओके, ठीक है ये बात। चलिए इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारा जो वर्क डन होता है वो हमारा एरिया देता है, ठीक है। अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि ये पिस्टन जो है हमारा वो स्टेट वन से स्टेट टू में गया है, स्टेट वन से स्टेट टू में गया है हमारा पिस्टन, और अगर मैं बोलूं कि बताइए स्टेट वन से स्टेट टू तक कितना वर्क डन हुआ, तो आप सीधा जो है इस पूरे ग्राफ का आप एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका, ये प्रेशर है हमारा पी वन, ये प्रेशर है हमारा पी टू, ये वॉल्यूम है हमारा वी वन, ये वॉल्यूम है हमारा वी टू, ठीक है। अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया की, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक वी टू, यहाँ से यहाँ तक वी वन, तो वी टू माइनस वी वन, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू, और हाइट क्या है हमारा यहाँ से यहाँ तक पी वन, यहाँ से यहाँ तक पी टू, तो क्या हो जाएगा हमारा पी वन माइनस पी टू, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारा ये वाला लेंथ क्या है हमारा ये वाला लेंथ, ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ सेम होता है रेक्टेंगल में, तो वो क्या है हमारा रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ, ये ट्रायंगल का था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारा, रेक्टेंगल का एरिया हमारा है वी टू माइनस वी वन इंटू ब्रेथ ये वाला जो कि हमारा पी टू, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा है पी टू। जब आप इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे कॉपी में कर देख लीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा, जो आप एरिया पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया जो होगा जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारा टोटल वर्क डन को बता देगा, मीन्स वर्क डन जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक। तो आप देख सकते हैं जब प्रेशर मैंने कांस्टेंट नहीं लिया, पहले जब मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया था तो मैंने सीधे लिखा था पी वी टू माइनस वी वन, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम सीधा ग्राफ पे बिना इंटीग्रेट किए हुए भी हम बस एरिया दोनों का निकाल देंगे तो हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता तो क्या होता, मान लीजिए ये ग्राफ है और ये अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा हमारा ये एरिया होता, ये वाला एरिया स्टेट वन से स्टेट टू पर गया तो हमारा बस ये वाला पूरा एरिया होता है ना। तो हम क्या कहते हैं, मान लीजिए प्रेशर यहाँ पर पी है ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम सॉरी पहले ये सॉरी ब्रेथ ओके एंड लेंथ, ओके एंड लेंथ क्या है हमारा वी टू माइनस वी वन, तो यही हमारा एरिया हो जाएगा, है ना, यही एरिया हो जाएगा ऑफ द रेक्टेंगल, और यही हमारा वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम स्टेट वन से लेके टू तक, ठीक है। इसमें एक बात और जान लीजिए, ये एक बात क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि एक साइकिल, साइकिल आप लोग जानते हैं क्या होता है, साइकिल वो होता है कि अगर वो स्टेट वन से सिस्टम शुरू किया और वापस चलते 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 सिस्टम वापस से स्टेट वन पर आ गया, यहाँ से चला यहाँ से चला यहाँ से चला सिस्टम वापस स्टेट वन पे आ गया, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गया, तो हम बोलेंगे एक साइकिल हुआ, ठीक है। तो ये एक साइकिल हुआ। अगर मैं बोलूँ कि ये प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, इसका आप लोग निकालिए कि वर्क डन कितना हुआ एक साइकिल में, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे नहीं कर देंगे कि यहाँ से पूरा यहाँ तक निकालें, साइकिल में हमेशा जो होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही होता है हमारा एरिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक साइकिल एग्जीक्यूट किया है सिस्टम इस तरीके से, तो हमारा वर्क डन इसमें क्या होगा, वर्क डन हमारा ये वाला है, ये होगा, ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस हो रहा है, जब मैं बोलूँगा कि प्रोसेस हो रहा है ऐसे करके, तो हम पूरे नीचे तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। तब जो वर्क डन होगा हमारा स्टेट वन से स्टेट टू तक, वो हमारा पूरा ये एरिया होगा, ये बात को याद रखना है आप लोग को, ठीक है। साइकिल में जब निकालेंगे तो ये नहीं कि पूरा यहाँ तक एरिया निकाल देंगे, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बस अंदर का क्लोज एरिया निकालना है हमें, लूप वाला, ये जो क्लोज लूप है बस हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये था हमारा पीडीवी वर्क, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। पीडीवी वर्क जो होता है वो हमारा क्वासी स्टैटिक पाथ में ही लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल पाथ, क्वासी स्टैटिक बोलिए और रिवर्सिबल बोलिए, ठीक है, इसी में लगता है हमारा पीडीवी वर्क।
ठीक है, तो ये जो वर्क डन जो कैलकुलेट हम करते हैं ऑफ एरिया जो हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया निकालते हैं या हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ये सिर्फ हमारा रिवर्सिबल पीडीवी वर्क और क्वासी स्टैटिक वर्क में भी होता है। ठीक, पीडीवी वर्क जो होता है वो हमारा नॉन डिसिपेटिव होता है वर्क। नॉन डिसिपेटिव वर्क क्या होता है, मीन्स इतना स्लो प्रोसेस होता है कि मैंने बताया था कि इसमें फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा नेग्लिजिबल होता है। ठीक, तो हम इसमें फ्रिक्शन जो होता है वो नहीं लेते, इसलिए हम बोलते हैं कोई भी डिसिपेट नहीं कर रहा है एनर्जी, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता हमारा नॉन डिसिपेटिव वर्क, कोई भी फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, रिवर्सिबल वर्क। ठीक, रिवर्सिबल वर्क इसमें से पीडीवी वर्क और क्वासी स्टैटिक वर्क। ठीक है ना, और ये जो हमारा वर्क होता है ये हमेशा कौन से सिस्टम में होता है हमारा, हमेशा हमारा क्लोज सिस्टम में होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा हमारा क्लोज सिस्टम में होता है, कभी भी ओपन सिस्टम में हम पीडीवी वर्क नहीं लगाते हैं। ठीक, ओपन सिस्टम में अलग तरह का वर्क हम देखते हैं, शाफ्ट वर्क, फ्लो वर्क, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो क्लोज सिस्टम में ही एप्लीकेबल है हमारा पीडीवी वर्क और रिवर्सिबल वर्क बोलिए और क्वासी स्टैटिक वर्क बोलिए। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक पीडीवी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे बोलूँ, एक ऐसे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है तो क्या करेंगे हम, ऐसे हुआ है और एक ऐसे हुआ है, और मैं बोलूँगा इसका वर्क डन निकालिए, तो आप पहले स्टी यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालिए और फिर एरिया निकाले, मतलब ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया का सम हो जाएगा हमारा पीडीवी वर्क, हमारा वर्क हो जाएगा टोटल वर्क कितना कैलकुलेट हुआ। ठीक है, सुना आ गया। तो होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोग का आंसर जरूर दूंगा। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।